तो चौथे चरण की 59 सीटों पर मतदान जारी है और 59 सीटों के 624 ऐसे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। लखनऊ के अलीगंज पोलिंग स्टेशन से जायजा लिया सहारा समय संवाददाता रजत सिन्हा ने। चौथे चरण की 9 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 646 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला उत्तर प्रदेश के 2,13,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिन जिलों में चुनाव हो रहा है उनमें पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले हैं। इन जिलों में के लिए जो है जो चुनाव आयोग है उसने पूरी तैयारियां की हैं। पूरे इन 9 जिलों की 59 सीटों के लिए जो बूथ बनाए गए हैं उनमें 13,834 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं और 24,581 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 624 उम्मीदवार हैं जिनमें 91 महिलाएँ हैं। 2017 में इन 9 जिलों में 67.28% वोट हुआ था। जिनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई उसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा केनी है। अगर मैं वीआईपी उम्मीदवारों की बात करूं और खासतौर पर लखनऊ की बात करूं तो कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ हरदोई से नितिन अग्रवाल, लखनऊ फरोजी नगर से राजेश्वर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मतदान शुरू हो चुका है और धीरे धीरे लोगों का मतदान केंद्रों पर आना भी शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में देखने को मिली कि जिस तरीके से 3 फेज के चुनाव हुए कहीं ना कहीं मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश की इन 9 जिलों की जो 59 सीटें हैं जहाँ पर चुनाव होना है वहाँ पर भी मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और इसके लिए जिला प्रशासन ने अलग अलग तैयारियाँ भी की थी, लोगों से अपील भी की थी, कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए थे और उम्मीद जताई जा रही है कि लखनऊ में इस बार भी भारी मतदान होगा। सारा समय के लखनऊ से कैमरामैन शमीम हुसैन के साथ रजत सिन्हा।